Hey guys, hi, what's up, and welcome to my YouTube channel. So today is mental health day and I just wanted you all to know ki mental health is very much real. It is as much as real as you're having cough and cold or any physical illness for that matter. आपको मैं एक सच्ची बात बताऊँ, बहुत सारे डॉक्टर्स भी जो मेडिकल फील्ड में हैं या अपकमिंग डॉक्टर्स भी डिप्रेशन को एज इन डिप्रेशन एज अ डिजीज नहीं मानते. दे ऑल टिल नाउ थिंक दैट इट्स डिप्रेशन है, मतलब यू हैव बिकम मैड एंड ऑल वट एवर अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज आई विल से ओके वट एवर. सो आई जस्ट वॉन्टेड यू ऑल टू रिमाइंड कि आप अगर ऐसा बोलते हो कि पागल हो या फिर वट एवर, सो यू आर मेकिंग इट ओनली वर्स. यू आर नॉट हेल्पिंग इट माई फ्रेंड इन एनी वे. यू आर जस्ट मेकिंग इट वर्स. सो अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ डोंट से एनीथिंग बैड. अगर आपको नहीं सुनना या आपको डील नहीं करना उन पर्सन या पेशेंट के साथ, तो प्लीज़ मूव अवे क्वाइटली. डोंट मेक इट वर्स फॉर देम बिकॉज इट रियली हर्ट्स. यू नो, इट रियली हर्ट्स वेन सामने वाला पर्सन आपकी बातें समझ नहीं पाए एंड यू फील ऑड वन आउट इन ऑल द पीपल, बिकॉज उन्हें नहीं पता ना, उन्हें नहीं पता क्योंकि दे हैव नॉट गॉन थ्रू इट. एंड भगवान ना करे वो कभी जाएं उस फेस से भी, बट स्टिल आपको उस चीज़ से आपको उस चीज़ को जानने के लिए अगर उस चीज़ से जाना पड़े तो क्या फ़ायदा ना. ज़रूरी नहीं कि आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आप भगवान में बिलीव करते हो, ज़रूरी नहीं आप सबने भगवान को देखा, बट स्टिल यू बिलीव इन गॉड, राइट. तो ज़रूरी नहीं कि आप भी डिप्रेशन से जाओ या एंगजाइटी से जाओ टू बिलीव इट कि या इट इज़ फॉर रियल. एंड जब वो होता है तो आई नो दिस बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट, या नॉट ऑन अ लार्ज लेवल, बट या आई हैव गॉन थ्रू इट. As I'm myself a doctor, so I know some of the symptoms of it, so I could sense it really well. And I've not gone through therapies and all also because it doesn't mean ki you don't have to go to therapies, you don't have to go for help. Of course you have to go for help because nobody else and nothing else could work for you. Mere liye work kara because I knew it. मैं अपने बॉडी को काफ़ी अच्छे से जानती हूँ. मेरे बॉडी में स्लाइट सा भी डिस्कम्फर्ट होता है तो आई कुड सेंस इट. या थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मुझे इतनी एबिलिटी दी कि आई कुड सेंस इट, राइट. बट ज़रूरी नहीं कि आप भी वही चीज़ रिपीट करो. मेरा तो क्योर हो गया बिकॉज आई हैव यू नो स्टार्टेड मेडिटेटिंग एंड स्टार्टेड कंट्रोलिंग माई थाट्स एंड वट एवर, बट डजेंट मीन कि यू ऑल्सो हैव टू गो थ्रू इट. जस्ट गो आउट फॉर हेल्प. या अगर आप हर समय थेरेपी के लिए नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, जस्ट मेडिटेट करो या फिर अपने आप को टाइम दो, हील करने के लिए टाइम दो. डजेंट मीन कि आप पागल हो. अरे यार, हर कोल्ड एंड कफ होता है, राइट, फीवर होता है, इट्स लाइक दैट ओनली. जस्ट लेट्स नॉर्मलाइज इट. ये किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. इट्स नॉट दैट कि यू आर वीक. यू आर नॉट वीक माई फ्रेंड, यू आर नॉट वीक. इट जस्ट कि अगर आपको कोल्ड एंड फ्लू होता है तो आपकी इम्यूनिटी कम होती है. डजेंट मीन कि यू आर वीक एज एन पर्सन. सो इट इज़ द सेम केस विद मेंटल डिजीज और मेंटल हेल्थ इशूज. I'll just only say ki let's normalize it. Let's not exaggerate it in a way ki log aap se aake apni feelings bhi share na kar saken. Because I don't know how to explain it, but yeah. And as I have said earlier, agar aap kuch acha nahi bol sakte to please for God's sake keep your mouth shut. Nobody needs your unnecessary, you know, comment or anything. Yeah, do a favor for yourself and help yourself in a way to get therapy and all. I'll highly recommend ki aap zarur jaake psychiatrist ko dikhao. Psychiatrist ke hospital jaane ka doesn't mean ki aap pagal ho aur aap पागल होकर साइकियाट्रिस्ट के हॉस्पिटल जा रहे हो. लाइक साइकियाट्रिस्ट आर नॉट ओनली पागल का डॉक्टर, दे आर मेंटल हेल्थ डॉक्टर. लाइक आपको अगर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो तो यू कैन गो टू देम. सो प्लीज़ 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 गो टू देम एंड लेट्स नॉर्मलाइज इट. लेट्स नॉट एग्जैगरेट इट.
मेरे जैसे काफ़ी लोग भी होंगे जो ये चीज़ फेस कर रहे होंगे और किसी को बोल नहीं पा रहे होंगे. और वन सेकेंड, आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल वन मोर थिंग कि डिप्रेशन एज एंड डिप्रेशन आपके काम का प्रेशर देख के नहीं आता. डिप्रेशन किसी को भी आ सकता है, लाइक किसी बच्चों को भी हो सकता है, 11th 12th के बच्चों को भी हो सकता है. मेरे जैसे अर्ली 20s, लेट 20s, मिड 30, अर्ली 30, लेट 30, किस किन्हीं को भी हो सकता है. तो डजंट मीन कि अगर आप बच्चे हो तो आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता, या आप अर्ली 20s हो तो आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता. नो माई फ्रेंड, यू कैन गेट इट एंड यू शुड गेट योर सेल्फ ट्रीटेड. ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.